दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सांप का सर कटा हुआ है, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। कैसे, क्या आपको पता है? और जरा इस क्लिप में देखिए, ये मुर्गी है, इसका तो सिर है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये इधर उधर भाग रही है। आखिर कैसे, कैसे ये सब मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, ये सब सच है। ऐसे कई जानवर हैं जो बिना सिर के भी सरवाइव कर सकते हैं, और इनको देखकर इतनी ज्यादा घबराहट होने लगती है कि मानो इनकी जगह हम होते तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिना सिर के भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है और कैसे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा, प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। स्नेक। दोस्तों सांपों की एक प्रजाति है जिसका नाम है रैटल स्नेक, और ये प्रजाति ज्यादातर रेगिस्तानों में पाई जाती है। दोस्तों ये सांप ऐसा है कि बेशक से ये आपको ना काटा हो, लेकिन अगर किसी ने इसको मार कर इसके सर को काट कर अलग फेंक दिया हो और फिर आप इसको मरा हुआ समझकर इसके पास जाओगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ये आपको काटने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगाएगा और इसके काटने से आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों वैसे तो अक्सर लोग सांपों को मार कर उनके सर को उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हमने इनको पूरी तरह मार दिया है और अब ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप भी यही सोच रखते हो तो दोस्तों शायद आप बिल्कुल गलत हो। दोस्तों सांपों के सिर में उसके खतरनाक दांत और खतरनाक जहर पाए जाते हैं, और इसके कटे हुए सर के पास आप खड़े हैं और इस बात से अनजान है कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये सर कटने के बाद भी आपको कई घंटों तक बड़ी ही आसानी से काट सकता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कभी करो तो इन सांपों से बिल्कुल संभल के रहिएगा, नहीं तो एक छोटी सी गलती से आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए क्या आपको ये जानकारी पहले से थी, अगर नहीं थी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ही जानकारी मैं आपको हरदम देता रहूंगा और इन खतरनाक जानवरों से आपकी जान बचाता रहूंगा। फ्रॉग्स यानी मेंढक। दोस्तों क्या आपने अपनी लाइफ में एक चीज को नोट किया है, अगर आप किसी भी मरे हुए मेंढक को पानी में डाल दें तो वो हिलने डुलने लगता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जिनमें कुछ मरे हुए मेंढक के कटे हुए हिस्से पर कुछ नमक डाला जाता है और उसके बाद देख सकते हैं आप इनके ये कटे हुए लेग्स हिलने लगते हैं। जी हाँ, मैं इसी खासियत की बात कर रहा था। दोस्तों दरअसल मेंढक एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर से आप उसके दिमाग को बाहर निकाल लेते हो तब भी आपको उस मेंढक के अंदर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये उसी तरीके से चलेंगे फिरेंगे और आप उल्टा कर दोगे इसको तब भी ये अपने बल पर सीधा हो जाएगा। दोस्तों यही वजह है कि इनके मर जाने के बाद भी इनके शरीर में कई घंटों तक जान बाकी रहती है, चाहे आप इनके शरीर के हिस्से को काट कर अलग ही कर दें। दोस्तों क्या इसके बारे में आपको पहले से पता था, अगर नहीं पता था तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सेलेमेंडर। दोस्तों क्या हो आपके द्वारा धोखे से एक सेलेमेंडर का हाथ कट जाए, आप सोचोगे कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो इसका हाथ कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सेलेमेंडर ऐसा जीव है कि जिसके हाथ को आप जितनी बार भी काटोगे ये अपने उस पार्ट को दोबारा उगा लेगा। जी हाँ दोस्तों, मिलिए इस सेलेमेंडर से जो कि इतने ज्यादा ढीठ होते हैं कि आप इनके शरीर के किसी भी अंग को काट दो ये उसे वापस से रिजनरेट कर सकते हैं और उनके उस अंग के फंक्शन भी पहले जैसे ही होंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये पुराने अंगों के मुकाबले कई ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसा होता तो आप लोग भी अपने हाथ को काट के डस्टबिन में फेंक देते और दूसरे हाथ को उगा लेते। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कहीं आप ऐसा सच में ना कर दें, ये तो मैं एक काल्पनिक बात कर रहा था। दोस्तों ऐसा इस सेलेमेंडर में एक खास तरह के प्रोटीन की वजह से होता है, जिनमें जैसे ही उनके शरीर का कोई भी पार्ट कटकर अलग होता है वो प्रोटीन उन सेल्स को वापस से बनाने में जुट जाता है और फिर से शरीर के उस कटे हुए पार्ट का जन्म हो जाता है। कॉकरोच। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियों को कॉकरोच बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और वो इस कॉकरोच को देखकर चीखने चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कॉकरोच जल्दी मरते नहीं हैं। दोस्तों कॉकरोच एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब तक को सरवाइव कर सकता है, और इसके साथ ही अगर आप इसके सिर को काट कर अलग कर दो फिर भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि ये कीड़ा बिना सर के भी जिंदा रह सकता है? वो दरअसल इसलिए होता है कि पहली बात तो इनके अंदर खून बिल्कुल भी नहीं होता, और दूसरा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम
शरीर के अंदर नहीं बाहर की तरफ होता है, इसीलिए इनके सर का ज्यादा कोई महत्व नहीं रह जाता। इनका सर सिर्फ खाना वगैरह खाने के काम आता है, बाकी इनके सिर से दिमाग वाली कोई बात नहीं होती। सिर अलग होने के बाद ये कुछ समय तक तो जिंदा रहते हैं, ये मरते जब हैं, जब इनको भूख और प्यास लग जाती है और ये खाना खाए बिना रह जाते हैं, तब जाके इनकी मृत्यु होती है। ऑक्टोपस। दोस्तों ये ऑक्टोपस काफी ज्यादा अजीब व गरीब जानवर होते हैं, पर दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना और जापान जैसे देशों में इन्हें खाने के शौकीनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। पर दोस्तों इन लोगों को एक ही चीज खलती है, इन ऑक्टोपस के मर जाने के बाद भी इनके ये 8 आर्म्स जिंदा रहते हैं और ये इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं कि उनको टच करने से ही उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों ऑक्टोपस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनके ब्रेन में नहीं बल्कि इनके हाथों में होता है, जिस वजह से ये मूव करते रहते हैं। दोस्तों एक बार तो ये आर्म किसी खाने वाले के गले में फंस कर हिलने लगा था, तो सोचिए दोस्तों गले में कोई चीज फंस जाए और हिलने लगे तो उसकी हालत क्या हुई होगी। ग्रीन एनाकोंडा। सोचो अगर आप जंगल से गुजर रहे हो तभी आपके सामने एक विशाल सांप आ जाए तो आपका क्या होगा। ऐसा आपके साथ रियल में भी हो सकता है अगर आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट में जाने की सोच रहे हो। ये एनाकोंडा पल भर में एक इंसान को निगल सकता है जो पानी में काफी फुर्तीला होता है, लेकिन दोस्तों जमीन पर इसकी गति काफी कम हो जाती है। ये एनाकोंडा जहरीले तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये आपको मार सकते हैं। दोस्तों अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते थे, ये एनाकोंडा उनके रहने वाले जगह पर पहुंच गया था और इसने देखते ही देखते कई लोगों को काफी आसानी से निगल गया था। इसे देखने के बाद वह आदिवासी वहां से भाग निकले क्योंकि इस एनाकोंडा को मारने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था, और साथ ही साथ ये एनाकोंडा काफी ताकतवर भी होते हैं। अमेजोन के जंगलों में अमेजोन नदी भी मौजूद है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि अमेजोन नदी में एनाकोंडा भी रहता है। अमेजोन एक भयानक जंगल है, अमेजोन को एक भयानक जंगल माना जाता है, लेकिन अमेजोन के जंगल में आदिवासियों की प्रजातियों को भी देखा गया है जो अमेजोन के जंगल के अंदर वाले हिस्से में रहते हैं। वह आदिवासी किसी जानवर से कम नहीं होते हैं, वह होते तो इंसान है लेकिन उनकी आदतें एक खुखार जानवर जैसी होती है। अगर वह किसी बाहरी इंसान को देख लेते हैं तो वह तुरंत उनकी बोटी बोटी कर देते हैं क्योंकि वह बाहरी इंसान को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये आदिवासी अमेजोन के जंगल में बिना कपड़ों के रहते हैं क्योंकि अभी तक वह इस प्रकार तक विकसित नहीं हुए हैं कि वह अपने लिए कपड़े बना सकें। दरअसल वह जानवरों के खाल को ओढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना।